अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। दुआ करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैं आप सब लोग के लिए नई रेसिपी लेके आई हूँ, मूंग की दाल का हलवा। तो चलिए बनाते हैं मूंग की दाल का हलवा। तो गाइस, ये सारी सामग्री है मूंग की दाल के हलवे की। और आप लोग के नवरात्रि भी चल रहे हैं, उसमें भी आप लोग ट्राई करें, बहुत टेस्टी स्वादिष्ट बनता है ये हलवा। तो मैं 250 ग्राम का केवल बना रही हूँ, आपके ऊपर डिपेंड है। आप चाहें 1 किलो का बनाएं, आधा किलो का, वो आपको पड़े, ठीक है। तो इसके लिए मैंने लिया है, आप चाहें तो देसी घी नहीं है आपके पास तो डालडा घी भी बना सकते हैं। मैं देसी घी घर का है उसे ही बनाऊंगी। 250 ग्राम मूंग की दाल है और ये सारे ड्राई फ्रूट हैं। ड्राई फ्रूट भी आपके ऊपर है, आप चाहें डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। ये सूजी है, सॉरी, ये 2 चम्मच सूजी है, 1 चम्मच बेसन है, 150 ग्राम शुगर है, शुगर आपके ऊपर है, आप चाहें तेज खाते हैं तो बढ़ा सकती हैं। आधा दूध में दाल उबालूंगी उसमें डालूंगी, आधा बाद में डालूंगी, 250 ग्राम दूध है। मैंने रख दी है कढ़ाई, दाल डाल रही हूँ और आधा दूध डाल के इसको 10 मिनट के लिए उबाल लूंगी। दाल ज़्यादा नहीं उबालना है, खड़ी खड़ी रखना ताकि हमें पीसने में दिक्कत ना हो। मैं इसे ग्राइंडर में पीस के रखती हूँ। दाल को आपको धो के अच्छे से आधे घंटे के लिए भिगो देना है। बस देखिए, आधा हो गया, आधा दूध डाल दिया, इसी में उबलेगी। खोल के कढ़ाई में उबालना है, इसको ढकना नहीं है, खोल के ही उबालना है, चलाते रहना है। और गैस मीडियम रखनी है आपको, मीडियम गैस पे इसको चलाते रहना है, उबालना है। गाइस देखिए आप लोग, 15 मिनट ओनली लगे हैं और हमारी दाल जो है अच्छे से गल भी गई। ये देखिए गाइस, गल गई है, दूध भी सूख गया। अब ये ठंडी होने के बाद मैं इसे पीसूंगी। यदि आप लोगों को दाल पीसनी है, अगर सिलबट्टा हो तो सिलबट्टे में पीस लें, नहीं तो मिक्सी में पीस सकते हैं आप लोग, ठीक है। गाइस हमने रखी है कढ़ाई, अब भूनते हैं हम दाल। मीडियम गैस पे भूननी है सारी दाल, थोड़ा थोड़ा घी डालते रहिए, दाल को भूनते रहिए। गाइस मैंने ये निकाला है देसी घी, घर के देसी घी से ही मैं बना रही हूँ हलवा। आप लोग चाहें तो डालडा घी से बना सकते हैं। अभी मैं थोड़ा भून लूंगी, फिर डालती हूँ 1-1 करके चम्मच घी। घी डालती जाऊंगी, दाल को भूनते जाऊंगी। गाइस ये हमारी मूंग की दाल हो गई ब्राउन, ऐसी आपको ब्राउन करनी है। ये हम डालते हैं 1 चम्मच देसी घी, ऑलरेडी दाल में हम डाल चुके हैं 2 चम्मच देसी घी। अब हम ये ड्राई फ्रूट फ्राई करेंगे। लाइट, बिल्कुल लाइट ब्राउन करना है ड्राई फ्रूट, ऐसी आपको ड्राई फ्रूट फ्राई करना है। देख लीजिए, हम डालते हैं सूजी, उसी घी में हम सूजी डालते हैं और बेसन, इसको हम भूनेंगे 2 मिनट के लिए। बेसन डालेंगे गाइस, आप लोग सूजी और बेसन डालेंगे, इससे टेस्टी बनता है बहुत ज़्यादा हलवा, हलवाई जैसा हलवा बनता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें नवरात्र में। आप सब लोग को नवरात्रि की मेरी तरफ से शुभकामनाएं बहुत बहुत। अब देखिए आप लोग, सूजी बेसन हमारा भून चुका है, अब डाल देते हैं दाल, इसमें अच्छे से मिक्स कर दें। दूध जो हमारा आधा दूध रह गया था वो हमने डाल दिया, इलायची पाउडर, अच्छे से मिक्स कर देंगे। आधे हम डाल देते हैं ड्राई फ्रूट इसमें हलवे में और आधे हम डेकोरेट में डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये बन गया हमारा हलवा रेडी, आप लोग ज़रूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी बना है।
हलवा हो गया है रेडी। अब हम करते हैं इसको सर्व प्लेट में, ऐसे ही आपको बनाना होगा। देखिए कितने कितने अच्छे से कसा है, क्या हलवा रेडी, जरूर ट्राई करें। अब मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, नई रेसिपी लेके आऊँगी। आप लोग मेरे से ऐसे ही जुड़े रहिए, मेरे से ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।